लो एंट्री में कोई गाड़ी आती है तो उस गाड़ी को चेक लगाते थे 24 घंटे का, बाकी फाइन लगभग थे 2000 रुपये। ऐसा यार भाई पंगे हैं अब, एक तो गर्मी ऊपर से सर्दी। तो भाई देख सकते हैं आप लोग इसने ये डंडी कटवा दी और इस साइड जैसे ये जुगाड़ करवाया वैसे इस साइड करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं फाइनली साइड ग्लास ले लिया है, दिख रहा है क्लियर, बाकी एक इसके हाथ में है और क्या लिया है। ये देखो इसने हल्की फुली फुल्की शॉपिंग कर ली, एक पार्किंग लाइट ली हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में, आई होप सारे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 10 और मैं हूँ यहाँ नौनी चौक के पास, यहाँ से 4 लेन का कट है। तो आज जा रहा हूँ मैं गाड़ी लेके रोपड़ के लिए, पर लेकिन अपनी गाड़ी नहीं है तो दिखाता हूँ मैं गाड़ी आपको। तो ये गाड़ी, तो गाइज ये गौरव वाला ट्राला लेके मैं जा रहा हूँ रोपड़ के लिए, क्योंकि ये बीमार है और गया भी था कहीं लेकिन अभी मिला मेरे को, तब इसको ले आया मैं बैठा के, वैसे बीमार है तब इसको रेस्ट ही करवाएंगे। बाकी फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं ट्राला, वैसे नॉर्मल मतलब 1-2 किलोमीटर चलाया होगा, बाकी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है खासा अपना, लेकिन तब भी चला ही रहे। बाकी रात को कर दिया था मैंने इसको लोड, तो लोड करा था इसको सुली में और फिर मैंने अपनी गाड़ी भी अनलोड की थी, कोल लेके गया था मैं तो उसको भी अनलोड किया। अब देखते हैं अब आगे इसको लेके, तो खाली आएंगे बस बढ़िया रोपड़ जाएंगे, खाली करेंगे और उसके बाद वापसी घर। तो बाकी गाड़ी तो आपको पता ही है सबको, तो ये है गाड़ी। बाकी ये देखो इस बंदे का हाल, इतना बीमार है, देखो ठंड लगी है इसको, इसने ओढ़ा है तो बीमार है, तो दवाई वगैरह खिलाई है इसको। तो ऐसे तो घर ही जा रहा था, मैंने बोला मैं कहा चल साथ चल पड़ा, ऐसे बातचीत ही करने के लिए, पहली बार चला रहा हूँ गाड़ी, चल मैं कहा साथ में बंदा होता बढ़िया रहता है। तो उसकी क्या शर्म है जो गाड़ी चलाई नहीं है, अब अपनी गाड़ी की याद होती है, बाकी दूसरी गाड़ी किसी की चलानी हो तो दिक्कत वाली बात होती है, लेकिन अपने बंदे ही गाड़ी चलाता हूँ मैं, बाकी ऐसे किसी थर्ड पर्सन की कभी चलाते नहीं हम गाड़ी। तो अभी देखते हैं बातचीत करते हैं इन लोगों के साथ। तो देखो बेचारा बंदा बीमार है, देखो साइड में बैठा है बेचारा, ठंड लगी है इसको, मेरा भाई लाल हो गया हुआ बेचारा, घर जा रहा था घर से, इसको अभी घर भी नहीं पहुंचा था, इसका बैग बुक भी यही है और इसको रास्ते से ही ले आया हूँ मैं। बाकी मेरे साथ है मोंटी, तो ये मोंटी की गाड़ी है, मिलवाते हैं मोंटी के साथ भी आपको। तो गाइस ये देखो बंदा ये जा रहा है मेरे साथ, और गाड़ी चेक करो इसकी आप। तो गाइस ये सीन है, अभी थोड़ी देर रेस्ट लेंगे गाड़ी को और उसके बाद चलेंगे हम लोग रोपड़ के लिए, बाकी आपको एक्सपीरियंस ही बताएंगे। वैसे ट्राला मस्त है चलाने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट बढ़िया है, मस्त ट्राला है। थोड़ी रनिंग कम है गाड़ी में, तो जैसे मैं 6 चक्के चलाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ी भाग नहीं रही है ये, बाकी गाड़ी बढ़िया है महिंद्रा की, मस्त गाड़ी है। बाकी अभी चलते हैं हम लोग चाय पीने सामने, तो ये होटल यहाँ पे जाएंगे, पैसा है तो अभी चलते हैं गाइस फिलहाल और चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद देखते हैं 11 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से, तो देखते हैं अभी फिलहाल क्या बनता है, तो चलते हैं चाय पीने। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं हम लोग नौड़ी से, तो सीट चेंज हो गई है इसकी, थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, इसने बोला कि चलो थोड़ी देर आप भी रेस्ट कर लो भाई साइड में और थोड़ी देर मैं चलता हूँ, उसके बाद ये सो जाएगा जी, तब तक थोड़ी देर मैं चला लेता हूँ। बाकी ये देखो आप बेचारा भाई जी, नमस्कार जी, ये तो दवाई खिलाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसा हुआ कि बंदा नहीं तो बिल्कुल लेट चुका था, ये तो कंप्यूटर ऊपर से हो रहा दाला से भी। भाई मैंने घर जाना है, ये देख सकते आप बीमार हो गया लड़का है। बाकी गाइस काफी टाइम बाद जा रहा हूँ मैं किसी के साथ भी, चिल करने के लिए, चिल क्या करने के लिए, वो तो आपने बोला सर नहीं तो मैं तो घर ही उतर रहा था। चलो कोई नहीं, करना चाहिए जिंदगी में एक बारी। नहीं तो गाइस काफी टाइम से आपको पता ही है कि सब अपने अपने गाड़ी में होते हैं,
ऐसे कोई जाता नहीं, क्योंकि डेली एक ही रोड पे चलेंगे तब ऐसा है कि कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, और फिर आप अपनी गाड़ियों का सीन रहता है। बाकी मोंटू बेचारा अकेला आ रहा है पीछे, तो अभी गाइस चलते हैं फिलहाल, तो देखते हैं कहीं रुकेंगे एंची मोड़ साइड रेस्ट देने, तो उसके बाद सीट फिर से चेंज हो जाएगी। क्यों गौरव भाई सो जाएंगे हम लोग, तब आपका काम आ गया। बाकी मेन रोड था जो तो आगे हम, अब ऐसा है कि प्लेन प्लेन ही है, बढ़िया। हाँ जी बढ़िया है, तब वैसा ठीक है। बाकी चला हमारा साइड ग्लास भी टूट गया है एक, तो ये वाला हमने दूसरी साइड से ड्राइवर साइड से खोल के लगाया, और एक साइड ग्लास अभी टूट गया हमारे से, देखो आप इस साइड देखो भाई ये वाला भी, और ये देखो आप ये जो छोटा साइड ग्लास है आगे लगा हुआ था इस शीशे के साथ, जैसा इस साइड भी है, इस साइड है एक साइड ग्लास, तो ये देख सकते हैं आप, मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखो छोटा साइड ग्लास वैसा लगाया है, इधर दो साइड ग्लास टूट गए बंदे के स्टार्टिंग में ऊपर जब हम चले थे, तो अभी वापसी में डलवाएंगे इनको भी। बाकी बेचारा है थोड़ी देर में ऐसा सीधा करना पड़ता है, ये देखो फिर हो गया है, ये देखो टी चू गौरव दिख रहा है ना आपको, देखो ना। अब गाइस जो रोज चलाता है गाड़ी उसको तो आइडिया ही है, अब हमारे पास चाहे गाड़ी में साइड ग्लास जैसा मर्जी हो, पर ऐसा कि अपनी गाड़ी का आइडिया होता है। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के एक, और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कीर्तपुर साहिब में, तो गाड़ी वो कर दिया यहाँ पे पार्क, तो गौरव को भी उठाया है अपने, खाना वगैरह खा लिया, कुछ भूख लगी है इसको भी। और गाइज अभी मैंने भी कुछ नहीं खाया था खाना, क्योंकि मेरा तो घर जाने का मूड था वो, तो इसने बोला, वैसे मैंने इसकी गाड़ी वगैरह लोड कर दी थी, जाना भी मैंने था, लेकिन उसके बाद मेरे को घर पर कुछ काम था, पर इसने बोला कि भाई मेरी तबीयत नहीं है तो कि आप चलो साथ में, कि आपने चलानी है गाड़ी भी, कि मेरी तबीयत नहीं है और नींद भी लगी थी इसको, तो आगे अभी भूखे है हम दोनों। मोंटी ने तो घर पे खाना खा लिया था, बाकी शायद क्या था पूछते अब इसको भी, ये इसकी गाड़ी तो पूछते अब भाई साहब को भी खाना खाएंगे या चाय वगैरह पियेंगे। यहाँ बंदे लेट चुके हैं। चल मोंटी, वो मोंटी। हाँ जी भाई जी, खाना है आपने कुछ? नहीं, चलाई जा देर पर चल दो, चाय वगैरह पी लो। तो गाइस अभी चलते हैं और खाना वगैरह खाते, चाय वगैरह पीते हैं, और उसके बाद चल पड़ेंगे हम। बाकी मौसम ठंडा हो गया, बढ़िया मजा आ रहा है, क्यों गौरव भाई? बढ़िया है। बाकी तभी सेट है ना अभी आपकी? अभी मैं नींद आ रही है, सब सोना खाना खा लेते, मैं क्या तब उठाया क्या, फिर सोना ही है। तो ठीक है गाइस अभी चलते हैं होटल पे और खाते हैं कुछ खाना। तो गाइस अब मैं कुछ साइड में हूँ और उसको आज ही चला रहे हैं गाड़ी, चल पड़े हैं अब हम लोग के स्कूल से, तो टाइम अभी 1:45 हो रहा है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, अब कुछ टाइम बाद तो आपको धुंध भी देखने को मिल सकती है। बाकी गाड़ी एकदम मस्त है चलाने में, थोड़ा रनिंग कम है इस गाड़ी में, ट्रक्स हुआ है क्योंकि प्लाजो में थोड़ी ज़्यादा है रनिंग, बस कोई फर्क है, बाकी गाड़ी बिल्कुल एकदम स्मूथ और मज़ेदार गाड़ी है। बाकी तब अब आपको धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि मेरे को लगी थी बहुत नींद, मैं था बीमार, तो भाई लाए गाड़ी दाड़ला से, तो मेरे को थोड़ी सी हो, मैं कहा चलो मैं चला लेता हूँ भाई आगे तक गाड़ी, क्यों भैया जी? बाकी गाइस ब्लॉग बनाने का मूड तो हमारा नोड़े में हुआ, नोड़े तक वैसा था ही नहीं कुछ भी, तो मैंने बोला कि चलो कुछ नया कंटेंट भी होगा, वैसे ही अपनी गाड़ी तो रोज ले भी जाते हैं, रोज वही है, ऐसा है कि कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ जी हाँ जी। तब मेरा बीमार था मैं, थोड़ा हो गया हुआ, तो इन भाई जा रहे थे वैसे गाड़ी लेके, तो इन्होंने बोला चल चल तू साथ, तब आया मैं। बाकी फिर देखते रहना ब्लॉग को, क्यों भेज देखते हैं गाइस, अगर रोपड़ में अभी खाली हो जाती तो अभी हम खाली कर लेंगे और वापसी भी आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। बाकी वीडियो को देखे, इंजॉय ले वीडियो का, बाकी मिलते हैं आपको अब आगे कहीं रास्ते में। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है रात के 2:30 और फाइनली हम लोग पहुंच गए रोपड़ में, तो ये रही अपनी गाड़ी, तो गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया है, और ये मोंटी गाड़ी रही साथ में, और ग्राउंड में देख सकते हैं आप गाड़ी है। तो आज बड़े दिनों बाद यहाँ जाम मिला है, जाम क्या मतलब, इतनी गाड़ियाँ भी नहीं है पर मतलब तब भी है ही, 32 नंबर पड़ा है आज की डेट का,
और पता नहीं कितनी जोड़ी है, तो देखते हैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं 4-5 बजे तक, 2-3 घंटे बाद छोड़ ही देंगे गाड़ी अपने को, खाली जाना है बढ़िया मस्त खाली करेंगे गाड़ी, आज कोई ऐसी बैकरोड वाली टेंशन भी नहीं है। और देखते हैं इसके साइड ग्लास वगैरह भी डलवाएंगे गाड़ी के, क्योंकि ये देखो आप, ये देखो ये वाला टूट गया, ये वाला पहले से टूटा था, वो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि ये टूट गया है, और ये वाला खोलते खोलते टूट गया, और बाकी जो ड्राइवर साइड था वो इस साइड लगा, ये देखो ये भी टेढ़ा है, ये भी चेंज होगा, और साथ में ये देखो आप ये कौन सा लगाया इतना साइड ग्लास, तो ये यहाँ था लगा हुआ, तो यहाँ से जैसा यहाँ पे वैसा ही था है, पर है तो वहाँ से खोल के लगा दिया इसको, क्योंकि अब साइड ग्लास तो ज़रूरी है, क्योंकि इतनी लंबी गाड़ी और बिना साइड ग्लास के तो आप गाड़ी चला नहीं सकते, और खासकर तो आप पंजाब में तो जो फोर लेन में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है, साइड ग्लास तो चाहिए। तो ये सारा सीन है गाइस, अभी देखते हैं करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, और उसके बाद देखते हैं अगला अपडेट क्या रहता है, तो अभी करते हैं फिलहाल रेस्ट, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। 5 hours later। तो हाँ जी दोस्तों गुड मॉर्निंग, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10, और अब जाके मोर लगी है हमारे को दूसरे ग्राउंड में जाने के लिए, तो पता नहीं क्या सीन है अब दिवाली के टाइम पे लगा रहे हैं लोग जाम, अभी देखते हैं मोंटी को भेज दिए था कि वो नंबर डलवाएगा खाली करने के लिए, और गाड़ी में प्रेशर नहीं था, तो अभी बाकी ये भी उठ सो के उठ गया है, तो अभी देखते हैं गाड़ी करते हैं खाली और फिर चलते हैं घर, क्योंकि काम भी है थोड़ा सा, बाकी ये भी कराते हैं चेक, आप साइड ग्लास चेक करो हमारा, तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं हम लोग गाड़ी खाली करके, और टाइम हो रहा अभी शाम के 4, तो 2 बजे गए प्लांट के अंदर खाली पूजे करके लगा दी गाड़ी साइड में, क्योंकि यहाँ पे नो एंट्री होती है अब 1 से 3, तो अभी 4 बजे छोड़ी गाड़ी, एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, एक लड़की जो गाड़ी के नीचे आ गई, तो उसके बाद से इन्होंने जो लोकल है यहाँ कि उन्होंने ये रूल बनाया कि सुबह मॉर्निंग टाइम कितना है गौरव भाई? भैया जी 7 बजे से लेके 9 बजे तक, 9, 7 से 9, और अपना दिन में 2 बजे 1 से 3 है, 1 से 3 है, 1 से 3, तो अगर नो एंट्री में कोई गाड़ी आती है तो उस गाड़ी को चेक लगाते थे 24 घंटे का, बाकी फाइन लगभग 2,000 रुपये ऐसा यार भाई, पंगे यहाँ पे, एक तो गर्मी ऊपर से सर्दी, और तो बंदा तो उल्टे ही वेस्ट बंदे के ना सोने लायक रहता है बंदा, ना सफ़र करने लायक। बाकी गाइस मोंटी ने करवानी थी अपने कुछ काम था उसकी गाड़ी का, तो बेचारे का वो भी रह गया, अब शायद होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, उसने तो 1 बजे से गाड़ी खाली की, उसका नंबर हमारे से पहले आ गया था, उसने उस टाइम खाली की थी, तो देख लो अंदर ही था, अंदर ही मिल गया, बाद में गए हम 1.5 घंटे बाद, उसके बाद वो भी वही मिला अंदर ही हमारे को, खाली करके साइड में लगाई थी गाड़ी, इधर को कितना वेट करना पड़ा, अब निकले जाके, बाकी देखते हैं इसके गाड़ी के साइड ग्लास वगैरह सुधीर भाई के पास चेंज करवाने हैं अभी, क्योंकि साइड ग्लास है ही नहीं बेचारे के पास, ये देखो लट चुका है साइड ग्लास अपना, तो ऐसा है कि सबसे पहले साइड ग्लास वगैरह लगवाते हैं इसके, और बाकी तब उसके बाद देखते हैं जो घर का काम था और रह ही गया कि वगैरह का, आप कल देखते हैं कल करेंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और हम लोग पहुँच गए थे डेढ़ी में, तो अभी आए थे संदीप भाई की दुकान के पास, तो संदीप भाई है नहीं यहाँ दुकान पे, वो कहीं अपने मदर को चेकअप वगैरह के लिए लेके गए हैं, दुकान तो वैसे खुली है लेकिन है ही कोई नहीं वहाँ पे, लॉक है, बाकी देखते हैं अब। गौरव भाई तब कहाँ गई और लेंगे साइड ग्लास? आगे जो आगे बंदा आपका, हाँ उसके पास बढ़िया मिलते हैं, ओरिजिनल साइड ग्लास मिलते हैं उसके पास, करते चेक जरा लेके क्या बनता है। बाकी गाइस मोंटी है टाटा मोटर दहनी में, वो अपनी गाड़ी का काम करवा रहा है, और हमने भी जो बॉडी बिल्डर वाला है मामा, तो मामा जी के पास लगा दी है गाड़ी, तो देखते हैं अभी अब साइड ग्लास लेंगे और वो फिट करवाएंगे, और उसके बाद चल पड़ेंगे घर के लिए, तब तक शायद मोंटी का काम भी हो जाएगा, बाकी देखते चाय वगैरह पीते हैं। कपड़ों का बुरा हाल हो गया है, देख सकते हैं आप सारे गंदे हैं कपड़े, बाकी इसकी भी देखो पूरी सेंडो वगैरह ख़राब हो गई है, पहला धूल ही इतनी ज़्यादा है और गर्मी है अभी यहाँ पे,
बाकी ये रही सामने दुकान, अब यहाँ चलते हैं और यहाँ लेते हैं साइड ग्लास। ये देख सकते हैं फाइनली साइड ग्लास ले लिया है, दिख रहा है क्लियर। बाकी एक इसके हाथ में और क्या लिया, ये देखो इसने हल्की फुली फुल्की शॉपिंग कर ली, एक पार्किंग लाइट ली। तो कैसी लगी सब आपको, सस्ती है, इसका खास बंदा है भाई। बाकी मोंटी भाई कॉल कर रहे हैं मेरे को, और ये देखो मोंटी भाई गाड़ी आ चुकी है, तो पहुंच गए मोंटी भाई काम करवा के। अब देख पूछते हैं मोंटी का क्या सीन हुआ क्या नहीं। और ये देख सकते हैं आप लड़का कॉल कर रहा है मेरे को, पकड़। अच्छा चला गया मैं। हाँ जी ब्रो, हो गया काम आपका है क्या, लैपटॉप लगाया, बस वही दिक्कत थी और कुछ नहीं। फिर आना पड़ेगा हमें, और कितने पैसे लिए फ्री में, वाह यार अब आ रहे है कोई कोड या बत्ती बुत्ती कोई दे रही है गाड़ी, तो आपका फ्री में हो गया आज काम है। तो टाटा मोटर्स वाले रीसेट करने के, ऐसे तो उन्होंने पैसे लेने थे, पता नहीं क्यों लिए होंगे। तो चलो बढ़िया है, हो गया जल्दी आपका, मतलब अगले चक्कर फिर से रुकना पड़ेगा आपको है। तो अभी चलते हैं और ये लगवाते हैं इसका साइड ग्लास। बाकी टायर देखो इसका, एक गंदी का सर बना है इसका। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, इसने ये डंडी ये कटवा दी और ये देखो इस साइड जैसे ये जुगाड़ करवाया वैसा इस साइड करवा रहे हैं। तो देख सकते हैं अपने मामा जी, तो कोई भी अपनी गाड़ी का काम होता छोटा मोटा सारा यहीं पे होता है। और ये निकल गई है डंडी अपनी, गौरव ने साइड ग्लासों की दिक्कत से डंडी कटवा दी। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं आप लोग, तो इसका रिकॉर्ड हो गया है और इसका भी, बाकी साइड ग्लास भी लगा दिए यहाँ पे, तो ये भी नए लगाए हैं। और ये लड़का कर रहा है कुछ अभी, बाकी ये मोंटू अपना और हो गया है बंदा भी। गाइस फाइनली निकल चुके हैं हम लोग देने से काम करवा के, और गाड़ी होगी अपनी चेंज, तो मैं आ गया मोंटी के साथ इसकी गाड़ी में। तो गौरव ने बोला कि मैं चल थोड़ी देर इसके साथ बैठता हूँ, तो अब खाली गाड़ी है तो गौरव आ जाएगा बढ़िया तरीके से। तो देखते हैं कहीं चाय पीने रुकेंगे और उसके बाद ट्रैक घर ही चलेंगे। तो बड़े टाइम के बाद बैठ रहा हूँ मोंटी के साथ, वैसे सब अपनी अपनी गाड़ी में होते हैं। बाकी हॉर्न चेक करवाओ आप मोंटी। तो गाइस देख सकते हैं आप रूट्स का हॉर्न है, बाकी चलते अभी फिलहाल। बाकी ऐसा कि नई गाड़ी है, बिल्कुल मजा आता है गाड़ी चलाने वाले को भी और बैठने वाले को भी, क्यों। तो अभी चलते हैं गाइस। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 9 और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर। तो घर तो पहले आ गया था, अभी तो नहा धो के बढ़िया फ्रेश हो गया, अब जा रहा हूं खाना खाने। बाकी गौरव चला गया है और मोंटी भी चला गया था और मैं आ गया घर। तो अब देखते हैं कल खेत वगैरह काम करते थोड़ा बहुत, और उसके बाद देखते हैं परसों तक भरेंगे अपनी गाड़ी। तो ये सारा सीन है गाइज, बाकी अभी खाना खा के करते हैं रेस्ट। बाकी मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कीप सपोर्टिंग गाइज। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब के लिए गुड बाय।